अकोला के बहुचर्चित किशनराव हुंडीवाले हत्याकांड के तीन आरोपियों की जमानत याचिका पर अब 6 अप्रैल को सुनवाई होगी। प्रसिद्ध अधिवक्ता उज्जवल निकम सरकार की ओर से इस प्रकरण की पैरवी कर रहे हैं। अकोला के बहुचर्चित किशनराव हुंडीवाले हत्याकांड के तीन आरोपियों की जमानत याचिका पर अब 8 अप्रैल को सुनवाई होगी। अखिल भारतीय गौली समाज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तथा उद्योजक किशनराव हुंडीवाले की 6 मई 2019 को अकोला के न्यास नोंदनी कार्यालय में दिन दहाड़े नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस प्रकरण में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था, परंतु मुन्ना उर्फ प्रवीण श्रीराम गावंडे, मंगेश श्रीकृष्ण गावंडे और मोहम्मद साबिर 10 महीने से फरार थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन तीनों आरोपियों ने जिला व सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी। इससे पहले 26 मार्च को जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। अब अगली सुनवाई 8 अप्रैल को हो रही है। इस प्रकरण में सरकार की ओर से प्रसिद्ध अधिवक्ता उज्जवल निकम पैरवी कर रहे हैं। इस जमानत याचिका और प्रकरण की सुनवाई पर पूरे अकोला जिले का ध्यान लगा हुआ है।